कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई संविधान रचयिता की पुण्यतिथि। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के लगाए गगन भेदी नारे। आज से 65 साल पूर्व राजधानी दिल्ली में बाबा साहब हमको और आपको अलविदा कह गए। भारत देश के संविधान रचयिता महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे महापुरुष को याद कर हमें आत्मबल प्राप्त होता है। ये विचार श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजेंद्र तिवारी ने व्यक्त किए। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर भवन में बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर विश्वनाथ तिवारी, राजेंद्र तिवारी, मुकेश रजक, मुकेश शर्मा, महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रूप किरण कौर, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंजलि सोनी, एडवोकेट चैन सिंह पाल नानाखेड़ी, धीरज सिंह लोधा, भगवान लाल ग्वाल, नरेश बांसखेड़ी, मनोज तिवारी के साथ अनेकों लोगों ने बाबा को माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के गगन भेदी नारे भी लगाए। वहीं रूप किरण कौर, एडवोकेट सीमा यादव, विश्वनाथ तिवारी, मुकेश रजक ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र तिवारी ने किया। आभार मुकेश शर्मा रामपुर कॉलोनी ने व्यक्त किया। आज देश के संविधान की रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि है। आज 65 वर्ष पूर्व रात 12 बजे दिल्ली के अंदर रात के सन्नाटे में बाबा आपको और हमको अलविदा कह गए थे। किस पोजीशन में, किस जमाने में से एजुकेशन पाकर देश का संविधान रचा, देश में एक इतिहास बनाया। आज भीमराव अंबेडकर को हमने जिला कांग्रेस की ओर से याद किया है। हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हैं।